आलमी अदालत कुलभूषण केस का फैसला आज सुनाएगी। पाकिस्तानी कानूनी टीम अटर्नी जनरल की कयादत में हैग में मौजूद। फैसला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे सुनाया जाएगा। अदालत ने केस का फैसला 21 फरवरी को महफूज किया था। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक में साल का दूसरा चांद ग्रहण, 11:44 पर शुरू हुआ। यूरोप, अफ्रीका और जनूबी अमरीका के कुछ इलाकों में भी नजारा। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असेंबली में मुखालफीन को निशाने पर रख लिया, कहा एक जज चला गया, नवाज शरीफ आज भी कैद है। नवाज शरीफ का नाम मिटाने वाले खत्म हो जाएंगे, पहले भी एक वजीर आजम का अदालती कत्ल हो चुका, अदालती कत्ल करने वाले भी शर्मसार है, हम ये जंग लड़ रहे हैं और आखिर तक लड़ेंगे। वीडियो स्कैंडल एक गैर मामूली वाकया है, जज का मामला अदालत देखेगी, जो धूल उठ रही है उसे छटना चाहिए, हतमी फैसला हमने करना है और फैसला जरूर होगा। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स, अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी, जज वीडियो स्कैंडल केस की समाप्त 23 जुलाई तक मुलतवी। विफाकी काबीना फिर साबिक हुक्मरानों के अखराजात की कहानियां सामने ले आई, मुबैना अरबों रुपए वसूल करने का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कैंप ऑफिस और मेडिकल पर 5 अरब रुपए से जायद खर्च किए। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने 3 अरब रुपए खर्च किए। शहबाज शरीफ ने भी 8 अरब 70 करोड़ खर्च कर डाले। शहबाज शरीफ की कानूनी जंग लंदन में लड़ने के लिए तैयारियां, लंदन में मौजूद वकला से कॉन्फ्रेंस कॉल पर मुशावरत। डेली मेल, इमरान खान शहजाद अकबर के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत, वकला टीम के मुकदमे के निकात पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला, मुलगीर एहतजाजी रैलियों का ऐलान, कहती है नवाज शरीफ की रिहाई और इजहार राय की आजादी का मुतालिबा करेंगे, ना अहल हुकूमत से निजात के लिए मेरा साथ दे। मेरा ये ब्लड टेस्ट करवाएं, अगर मेरे ब्लड टेस्ट से जो है वो सिगरेट की भी जो है वो रेजिस्ट आए तो मुझे बगैर ट्रायल के सजा दे। मैं समझता हूँ कि इसका नोटिस लेना चाहिए, इसका नोटिस जो है वो आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब को लेना चाहिए। मेरा ब्लड टेस्ट कराया जाए, राणा सनावला की पेशकश, कहते हैं सिगरेट के असरात भी निकल आए तो सजा दी जाए, ये जुल्म अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंचेगा। मनशियात केस में गिरफ्तार साबिक वज़ीरे कानून पंजाब के जुडिशियल रिमांड में 29 जुलाई तक तौसी। लाहौर में शदीद बारिश, निजाम जिंदगी दरहम बरहम, सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी, सड़कों पर पानी खड़ा होने से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें डूब गई, करंट लगने से नौजवान, छत गिरने से बच्ची जान बहक। बारिश रवा हफ्ते खूब रंग जमाएगी, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, सरगोधा, फैसलाबाद में बादल बरसेंगे, पिशावर, कोहाट, मर्दान, बन्नू, डीआई खान, योब में भी मजीद बारिश का इम्कान। वादी नीलम में सैलाबी रैले की तबाहकारियां, लैंड स्लाइडिंग के बाद 31 अफराद की हलाकत का खदशा, 3 अफराद की लाशें निकाली गईं, दीगर की तलाश जारी। चेयरमैन NDMA के मुताबिक लापता अफराद के बचने के इम्कान कम हैं। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 150 मकान, दर्जनों दुकानें तबाह, पाक फौज और NDMA का मुश्तरक रिलीफ ऑपरेशन जारी। चेयरमैन FBR शबर जैदी के ताजर नुमाइंदों तंजीमों से मुजाकरात, कहते हैं छोटे ताजों को आसान फिक्स टैक्स सिस्टम में लाया जाएगा, तमाम बड़े डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही काम करेंगे। घी पर टैक्स की पुरानी 2% शरह बहाल, ट्रांसपोर्टर्स पर विदहोल्डिंग टैक्स 3% कर दिया। मुरीद अब्बास कत्ल केस में मजीद इंकशाफात, मुलजिम आतिफ जमान के पास यासिन नामी ताजर ने सबसे ज्यादा 54 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की,
मुरीद अब्बास की अहलिया का तफसीली बयान भी कलमबंद कर लिया गया। हब में दो गाड़ियों में खौफनाक तसादुम, छह मुसाफर झुलस कर जां भर, दोनों गाड़ियों में तसादुम के बाद आग भड़क उठी। ईरान का जौहरी मुआहदे पर दो टोक ऐलान, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई कहते हैं यूरोपीय ममालिक ने 11 में से एक भी वादा पूरा नहीं किया, ईरान जौहरी जिम्मेदारियों में बतदरीज कमी लाएगा। आलमी अदालत कुलभूषण केस का फैसला आज सुनाएगी, पाकिस्तानी कानूनी टीम अटॉर्नी जनरल की कयादत में हैग में मौजूद, फैसला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे सुनाया जाएगा। अदालत ने केस का फैसला 21 फरवरी को महफूज किया था। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक में साल का दूसरा चांद ग्रहण, ग्रहण 11:44 पर शुरू हुआ, यूरोप अफ्रीका और जनूबी अमरीका के कुछ इलाकों में भी नजारा। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असेंबली में मुखालफीन को निशाने पर रख लिया, कहा एक जज चला गया, नवाज शरीफ आज भी कैद है, नवाज शरीफ का नाम मिटाने वाले खत्म हो जाएंगे, पहले भी एक वज़ीर आज़म का अदालती कत्ल हो चुका, अदालती कत्ल करने वाले भी शर्मसार हैं, हम ये जंग लड़ रहे हैं और आखिर तक लड़ेंगे। वीडियो स्कैंडल एक गैर मामूली वाक्या है, जज का मामला अदालत देखेगी, जो धूल उठ रही है उसे छटना चाहिए, हतमी फैसला हमने करना है और फैसला जरूर होगा, चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स, अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी, जज वीडियो स्कैंडल केस की समाप्त 23 जुलाई तक मुलतवी। विफाकी काबीना फिर साबिक हुक्मरानों के अखराजात की कहानियां सामने ले आई, मुबैना अरबों रुपए वसूल करने का ऐलान, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कैंप ऑफिस और मेडिकल पर 5 अरब रुपए से ज्यादा खर्च किए, साबिक सदर आसिफ जरदारी ने 3 अरब रुपए खर्च किए, शहबाज शरीफ ने भी 8 अरब 70 करोड़ खर्च कर डाले। शहबाज शरीफ की कानूनी जंग लंदन में लड़ने के लिए तैयारियां, लंदन में मौजूद वकला से कॉन्फ्रेंस कॉल पर मुशावरत, डेली मेल, इमरान खान शहजाद अकबर के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत, वकला टीम के मुकदमे के निकात पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला, मुलगीर एहतजाजी रैलियों का ऐलान, कहती हैं नवाज शरीफ की रिहाई और इजहार राय की आजादी का मुतालिबा करेंगे, ना अहल हुकूमत से निजात के लिए मेरा साथ दे। मेरा ये ब्लड टेस्ट करवाएं, अगर मेरे ब्लड टेस्ट से जो है वो सिगरेट की भी जो है वो रिजल्ट आए तो मुझे बगैर ट्रायल के सजा दे। मैं समझता हूं कि इसका नोटिस लेना चाहिए, इसका नोटिस जो है वो आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब को लेना चाहिए। मेरा ब्लड टेस्ट कराया जाए, राणा सनावला की पेशकश, कहते हैं सिगरेट के असरात भी निकल आए तो सजा दी जाए, ये जुल्म अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंचेगा। मनशियात केस में गिरफ्तार साबिक वज़ीर कानून पंजाब के जुडिशियल रिमांड में 29 जुलाई तक तौसी। लाहौर में शदीद बारिश, निजाम जिंदगी दरहम बरहम, सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी, सड़कों पर पानी खड़ा होने से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें डूब गईं, करंट लगने से नौजवान, छत गिरने से बच्ची जान बहक। बारिश रवा हफ्ते खूब रंग जमाएगी, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशों की पेशगोई, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, सरगोधा, फैसलाबाद में बादल बरसेंगे, पिशावर, कोहाट, मर्दान, बन्नू, डीआई खान, योब में भी मजीद बारिश का इम्कान। वादी नीलम में सैलाबी रैले की तबाहकारियां, लैंड स्लाइडिंग के बाद 31 अफराद की हलाकत का खदशा, 3 अफराद की लाशें निकाली गईं, दीगर की तलाश जारी, चेयरमैन एनडीएमए के मुताबिक लापता अफराद के बचने के इम्कान कम हैं, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 150 मकान, दर्जनों दुकानें तबाह, पाक फौज और एनडीएमए का मुश्तरक रिलीफ ऑपरेशन जारी। चेयरमैन एफबीआर शबर जैदी के ताजर नुमाइंदों तंजीमों से मुजाकरात,
कहते हैं छोटे ताजों को आसान फिक्स्ड टैक्स सिस्टम में लाया जाएगा। तमाम बड़े डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही काम करेंगे। घी पर टैक्स की पुरानी 2% शरह बहाल। ट्रांसपोर्टर्स पर विदहोल्डिंग टैक्स 3% कर दिया। मुरीद अब्बास कत्ल केस में मजीद इंकशाफात। मुलजिम आतिफ जमान के पास यासिन नामी ताजर ने सबसे ज्यादा 54 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की। मुरीद अब्बास की अहलिया का तफसीली बयान भी कलमबंद कर लिया गया। हब में दो गाड़ियों में खौफनाक तसादुम। 6 मुसाफर झुलस कर जां भर। दोनों गाड़ियों में तसादुम के बाद आग भड़क उठी। ईरान का जौहरी मुहादे पर दो टोक ऐलान। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई कहते हैं यूरोपीय ममालिक ने 11 में से एक भी वादा पूरा नहीं किया। ईरान जौहरी जिम्मेदारियों में बतदरीज कमी लाएगा। और बरतानिया में कवों का अनोखा फेस्टिवल। लोग कवे का रूप धारकर सड़कों पर निकल आए।